हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम मौजूद हैं वाराणसी के रामनगर क्षेत्र में और यहाँ पे चल रहा है रामलीला। और यह रामलीला जो कि बहुत ही फेमस है और यह 239 साल से लेके 250 साल पुरानी परंपरा आज भी बरकरार रखी गई है और हर साल यहाँ पे रामलीला का आयोजन होता है। लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल तक यहाँ पे कोई रामलीला नहीं लगा था, लेकिन आज आप देख सकते हैं यह जो रामलीला हो रहा है ये 9 सितंबर से चालू है और यह रामलीला पूरा 1 माह तक चलता है। और यह जो रामलीला आप देख रहे होंगे कि बहुत ही सिंपल ढंग से मनाया जा रहा है, जैसे पहले मनाया जाता था। ना यहाँ पे कोई स्टेज है, ना यहाँ पे कोई लाइट यूज़ की गई है, ना यहाँ पे कोई माइक है, ना कोई स्पीकर है। बहुत ही खाटी तरीके से ही यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है रामलीला का, जैसे पहले किया जाता था। तो आप इस परंपरा को देख सकते हैं, यह परंपरा अभी बरकरार रखी गई है। जैसे पहले होती थी रामलीला, वैसे अभी भी किया जा रहा है इस रामलीला को। और मैं आपको बता दूं, यह जो रामलीला है यह यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत में भी शामिल है। और सामने आप देख पा रहे होंगे कुछ लोग भजन कर रहे हैं और सामने आप ये भी देख पा रहे होंगे कि कुछ लोग वेशभूषा में हैं जो कि राम और लक्ष्मण बने हुए हैं। और यह पूरे 1 माह तक चलता है और लोगों का ये कहना है कि जो लोग इस किरदार को निभाते हैं उनके अंदर साक्षात श्री राम जी भी आ जाते हैं और इनके पैर छूने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु लोग टूटते हैं। इतने सालों में न जाने क्या कुछ बदला होगा, लेकिन नहीं बदला है तो रामनगर की रामलीला। और यहाँ पे आप देख पाएंगे जो देखने वाले दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, वो भी बिल्कुल खाटी ही लग रहे होंगे। ऐसा लग रहा है कि आप तो सीधे गांव में ही पहुँच गए हैं। और यह रामलीला अन्य आयोजनों से बहुत ही अलग है। देखने वालों के लिए यह मात्र नाटक न होकर प्रभु के साक्षात का जरिया है। और लीला ही नहीं, देखने वालों के लोग का भी अंदाज़ आप देख सकते हैं, कितने शांतिपूर्ण लोग बैठे हैं। और यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा आप देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे किसी भी लाइट का यूज़ नहीं किया गया है। जो पहले के ज़माने में जो लाइट यूज़ किया जाता था, जो लालटेन टाइप में होता था और मसाल टॉर्च, आज भी वही चीज़ें यूज़ की जा रही हैं इस रामलीला में और यह हर साल यूज़ किया जाता है। सदियों बाद भी रामनगर की अनोखी रामलीला में वही रंगत आप देख पाएंगे और वही किरदार की संवाद अदायगी सब कुछ वैसा ही है। और आप देख पाएंगे यहाँ पे किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ नहीं किया गया है और यहाँ पे हवा के लिए भी हाथ के पंखे का ही यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रामचरित मानस का पाठ हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी कोई लाइट नहीं यूज़ किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मसाल जला के ही यहाँ पे पाठ किया जा रहा है और टॉर्च की भी रोशनी है यहाँ पे। तो बहुत ही अलग अंदाज है जो कि आप देख पाएंगे, बहुत ही रेयर चीज़ है जो कि आप अभी देख रहे हैं। ऐसी चीज़ें जल्दी देखने को मिलती नहीं हैं। तो आप इस मेरी वीडियो को एंजॉय करिएगा, मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और जितना भी हो सके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो और भी दूर दूर तक जाए और इस परंपरा के बारे में बाकी लोग भी जानें जो कि फ़िलहाल में नहीं जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लोग टॉर्च की सहायता से रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं। Oh, 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 oh
Okay.
आपकी जय हो, जय हो।